हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। पंकज जी, एंड लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें ना हमने ऑलरेडी माय इन्फॉर्मेशन स्क्रीन क्रिएट कर दी, एंड नाउ हम अटेंडेंस स्क्रीन बना रहे हैं फॉर एम्प्लॉय के लिए। मैनेजर के लिए अभी तक हमने ओनली सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन स्क्रीन बनाई है जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा वो देख सकता है। अभी अटेंडेंस पोर्टल भी बनाएंगे, बट बिफोर फर्स्ट हम बनाने वाले हैं अटेंडेंस एप्लीकेशन जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। तो हम यहाँ पे ब्लैंक, मतलब जो भी स्पेस है, हम इसमें यहाँ पे कुछ क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा एक टेक्स्ट लेबल, क्योंकि हम जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो कुछ अलग रहेगा। तो बिफोर दिस मैं यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल ऐड करता हूँ, सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इस साइड में मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, एंड इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने डिसेबल कलर कर रखा है इस बटन का, तो डिसेबल कलर मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क ब्लू कर लेता हूँ इसका, एंड इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ यहाँ पे। या फिर डार्क ब्लू आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा प्रॉपर, तो मैं ग्रे कर लेता हूँ, एंड इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी बिल्कुल लाइट कर देता हूँ, बिल्कुल वाली लाइट। ओके तो ये ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या प्रेजेंट करना है, यहाँ पे है ना टोटल, मतलब कितनी लीव ली है इस एम्प्लॉय ने, मतलब कितना प्रेजेंट हुआ इस मंथ में, और यहाँ पे नीचे हम शो करेंगे टोटल वर्किंग आवर्स। तो उसके लिए इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे मैं इंसर्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, टोटल अप्लाई लीव। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगा कि टोटल लीव अप्लाइड। ओके, इसको मैंने सेंटर कर दिया, एंड इसका साइज मैंने कर दिया 17। ओके, 17 करने के बाद इसका टेक्स्ट कलर मैं कर दिया वाइट, एंड इसको कर दिया मैंने थोड़ा सा ब्राउन। एंड इसका बैकग्राउंड अब मुझे ना चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैं ब्लू, डार्क ब्लू कर दिया, एंड बैकग्राउंड में थोड़ा सा वाइट कर दिया, एंड वाइट के साथ इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि हेडलाइंस हैं, तो इसलिए। ओके, अब यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा बॉर्डर और कर देता हूँ ताकि डिजाइन अच्छी लगे। ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन 2 दे दिया। ओके, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डालना है कि जो एम्प्लॉय, मतलब कितनी लीव अप्लाई किया, वो एज ए काउंटिंग में शो करे उसको। तो वो काउंटिंग में हम उसका ना बाद में वर्क करेंगे, पहले हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं। फॉर्मूलाज का वर्क हम इस फॉर्मेट बनाने के बाद वर्क करेंगे। ओके, फॉर्मूलाज पे तो मैं इसको एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टोटल प्रेजेंट्स। ओके, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट्स हो गई मेरी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ इसमें, ये मेरा टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल टुडे वर्क आवर्स। एंड नीचे मेरा शो करना चाहिए, मैं नीचे एक बटन डालूंगा जहाँ पे मेरी, मतलब एक फुल अटेंडेंस शो हो जाए। ओके, बटन मैंने इंसर्ट किया, एंड बटन मैंने यहाँ पे डाल दिया बटन, एंड बटन का साइज मैं ये कर दिया, एंड इसको वाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा, या वाइट या बिल्कुल डार्क ब्लू, आई थिंक डार्क ब्लू बेस्ट रहेगा। एंड इसकी बॉर्डर मैं 2 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला डालता हूँ और बॉर्डर कलर मैं वाइट कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ मैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी रख कर देता हूँ मैं व्यू माय अटेंडेंस, एंड इसका एक और बटन ऐड करना है मुझे यहाँ पे, ये मैं कर देता हूँ व्यू माय ब्रेक्स।
हम एक्चुअली ब्रेक इस बार ना हम ब्रेक एंड ब्रेकआउट भी डाल रहे हैं। ये एक आपका अटेंडेंस हो जाएगा, आपने जो जो ब्रेक लिया है एक वो वाला काउंट करेगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। एंड बिफोर ना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा मुझे एक बार सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी स्पेस ले लिया है। ये हमारा मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट सा हो गया। अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है ब्रेक इन एंड ब्रेकआउट का एक बटन्स है ना, तो मैं बटन्स के लिए यहाँ पे टू बटन्स इंसर्ट कर लेता हूँ। टू बटन्स क्या, मैं सर्किल इंसर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक सर्किल बेस्ट रहेगी, बट सर्किल में टैक्स प्रॉपर्टी, चलो मैं सर्किल इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड सर्किल्स में यहाँ पे ये डाल दिया सर्किल्स, एंड इसका साइज मैं 84, ओके तो 84 ही कर लेता हूँ इधर भी। और इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, और बॉर्डर कलर वाइट कर देता हूँ। एंड इनका टाइमिंग मैं क्या रखता हूँ, सॉरी इसका कलर मैं लाइट ग्रीन, आई थिंक लाइट ग्रीन बेटर नहीं लग रहा मुझे, तो बिल्कुल लाइट ग्रीन में कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने इसका कलर कर दिया मैंने ऑरेंज, क्योंकि हमने ग्रीन और ये ऑलरेडी डाल रखा है, तो ग्रीन मैं ये कलर चेंज इसका थोड़ा लाइट ब्लू कर देता हूँ। आई थिंक अब ठीक लग रहा है। सेंटर में करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ एंड टेक्स्ट लेवल इंसर्ट करता हूँ। टेक्स्ट लेवल को क्या करता हूँ मैं, पहले एक बार इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड टेक्स्ट लेवल का मैं साइज यहाँ पे टेक्स्ट लेवल डालता हूँ टाइम इन और ब्रेक इन, ब्रेक इन एंड सेंटर में करता हूँ इसको। सेंटर में करने के बाद इसका कलर में कर, पहले इसको मैं वाइट में कलर करता हूँ, इसको टेक्स्ट कलर मैंने वाइट किया। एंड यहाँ पे सेमी बोल्ड, सेम मैं ब्रेकआउट का डाल देता हूँ, इसको कॉपी किया एंड पेस्ट, एंड इधर मैंने ब्रेकआउट डाला। आई थिंक इसका साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 12 कर दिया टेक्स्ट साइज, और नॉर्मल सॉरी सेमी बोल्ड, एंड साइज मुझे और छोटा करना पड़ेगा 11, एंड इसका भी मुझे 11 ही करना पड़ेगा फिर। ओके, इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इन सर्किल्स का ना कलर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज ही कर देता हूँ। मैं डार्क ब्लू कर दिया इसका, और इसका भी मैं डार्क रेड कर देता हूँ, बिल्कुल डार्क रेड। ब्रेक इन एंड ब्रेक आउट, ओके हो गया ये हमारा ब्रेक इन एंड ब्रेक आउट। तो अब हमारा क्या होगा, जब भी देखो मैं एक बार आपको फॉर सैंपल के लिए मैं समझा देता हूँ, जब भी है ना कोई एम्प्लॉय टाइम इन करेगा उसके बाद ये ब्रेक इन वाला बटन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा कि ब्रेक इन वो उसके बाद ही कर पाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इन कर पाएगा एंड ब्रेकआउट कर पाएगा, फिर टाइम आउट होने के बाद ये दोनों बटन ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे। जैसे ब्रेक इन करने के बाद ओनली ब्रेक इन वाला बटन डिसेबल हो जाएगा और ब्रेकआउट वाला ऑन हो जाएगा, तो हम ये वाला ऑप्शन भी देने वाले हैं। साथ में टाइम आउट, जैसे ब्रेक टाइम इन करने के बाद ऑटोमेटिक मतलब टाइम इन बटन डिसेबल हो जाएगा, ओनली टाइम आउट रहेगा। दिन में ओनली एक बार ही टाइम इन और टाइम आउट कर सकता है एम्प्लॉइज, ठीक है। और यदि आप एडिशनल रखना चाहते हो तो एडिशनल भी मतलब और भी रख सकते हो, यदि करना चाहे तो वो अटेंडेंस मार्क। यहाँ पे हम टाइम इन के ऑप्शन पे देने वाले हैं कैमरे का ऑप्शन, यदि टाइम इन करे तो उसकी सेल्फी मार्क हो, यदि कोई भी एम्प्लॉयज मतलब अटेंडेंस मार्क करे तो उसकी सेल्फी मार्क हो, सेल्फी शो हो। और व्यू माई अटेंडेंस पे क्या होगा कि एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस देख सकता है विद इन मल्टीपल मतलब बहुत सारे फिल्टर्स हम डालने वाले हैं, जैसे डेट फिल्टर हो गया हमारा एक है ना, डेट फिल्टर और
मंथली ईयरली जैसे भी देखना चाहे वो उस टाइप से देख सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑप्शन होएगा वहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ब्रेक में भी आप ब्रेक भी देख सकते हो पूरे कंप्लीट आप अपने, कि आपने कब कब दिन में ब्रेक लिया है, कौन कौन सी डेट को ब्रेक लिया है, वो पूरे ब्रेक भी आपको शोएंगे। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूलास की तरफ चलते हैं, जहाँ पे टाइम इन एंड टाइम आउट पे हम सबसे पहले फार्मूला डालेंगे या कैमरा ऑप्शन डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपको कुछ भी इशू हुआ हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो और पूछ सकते हो, और बाकी आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, और आप मुझे मेल कर सकते हो यदि आपको सेम ऐसे इसके से रिलेटेड यदि आपको कुछ भी मतलब डिस्कशन करना हो तो। थैंक यू सो मच।